back to my channel, Indian Echo Boy, back with a new video. तो guys, ये video या कुछ faces कुछ भी plan नहीं थी. Say hi to my brother-in-law Ravi and my sister. तो ये लोग जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि युवान जो मेरा कजन है बेटा तुमसे ना हो पाएगा. उनके मॉम डैड है एंड देन दे वर लीविंग टुमारो. तो उन्होंने बोला जाने से पहले दे वॉन्टेड टू बाई अ फिश. आई सेड नो बट. तो इसलिए जो लेके आए हैं तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा पीछे आप प्लांटेड टैंक देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी कलर टेट्रास और जेब्रा फिश के मिक्स हैं. तो इसको हम लेंगे. आप डाल दीजिए इसको भी एक्लिमेट के लिए. ऐसे इसको भी हमने डाल दिया एक्लिमेट के लिए यहाँ पे. एंड देन ये देखिए जो काफ़ी टाइम से ये है हमारी जाइंट गुरामी एल्बाइनो जाइंट गुरामी. तो अभी इसको किसी भी टैंक में डाल नहीं सकता बिकॉज सब परेशान करेंगे. तो इसको हम डालेंगे एक्लिमेट होने के लिए बालकनी पॉन्ड में. वहाँ चलते हैं एंड थैंक यू सो मच टू यू एंड यू फॉर दिस. चलो यू कैन से बाय बाय. तो गाइज ये है हमारी एल्बाइनो जाइंट गुरामी. तो इसको मैं यहाँ पे डालूंगा क्योंकि अभी और किसी पॉन्ड में डाल नहीं सकता यार क्योंकि एज यू नो सब बड़ी हैं यहाँ एटलीस्ट आराम से. और आपको याद होगा कि पिछली वाली भी हमने यहाँ पर ही बड़ी करी थी एंड देन उसको जहाँ पे ट्रांसफ़र किया था. तो बाद में देखेंगे जब दोनों बड़ी हो जाएंगी तब साथ में कुछ ना कुछ प्लान करूँगा. टर्टल तो काफ़ी प्लान है फ्यूचर्स के लिए. चलिए इसको एक्लिमेट होने देते हैं फिर हम दोनों फिशेज को ट्रांसफ़र करेंगे. तो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स ये एक्लिमेट हो चुके हैं. अब इनको हम करते हैं रिलीज़. तो पहले एज यूजुअल विल नॉट यूज़ द वाटर ऑफ दिस क्योंकि अगर एक्वेरियम शॉप के पानी से आपको बैक्टीरियाज वो सब आ सकते हैं. तो जस्ट हम फिश निकालेंगे और सिर्फ फिश को रिलीज़ करेंगे. तो ये हैं पहले इनको यहाँ रिलीज़ करते हैं. ये हो गई बाकी और इसमें थोड़ी सी बची इसको निकाल लेते हैं. मेरी है हमारी तो बड़ा होता एक उछल गई थी गाइस जो आपको शायद दिखी होगी. वो मैंने अभी जल्दी से पैनिक होकर हाथ से उठा के इसमें डाल दी. तो इसमें अब हो गई है सारी एडिट. लेट देम गेट सेटल्ड फिर मैं इनका अच्छा शॉट देता हूँ. अभी चलते हैं और जाइंट गुरामी को रिलीज़ कर देते हैं चल के. अब आया बारी हमारी जाइंट गुरामी की. इसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया. मोस्टली तो इसको काफ़ी यूजली दे लाइक टू हाइड. तो यहाँ पर उनको काफ़ी हाइडिंग स्पेस मिलेगी. धीरे धीरे जब बड़ी होने लगेगी तब ये इसको हम देखेंगे. ये है इसका पानी में इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ. तो गाइज ये कुछ टाइम बाद मैं शूट कर रहा हूँ और पता नहीं कितनी क्लियर दिख रही है. थोड़े से ग्रीन सा हो रहा है वीडियो बट ये है हमारी नई जाइंट गुरामी जिसको हम इसमें आराम से बड़ा होने देंगे. ये घूमते हुए और वो हाइट बहुत मुश्किल हुआ करेगा इसको देखना क्योंकि ये इनको हाइड करना बड़ा पसंद है. तो हर बारी जाके ये छुप जाएंगे जहाँ उसको दिखेगा वो जाके हर बारी छुप जाएगी. तो चलिए अब जल्दी से हमने फिशेज को ऐड कर दिया आपको दिखा दी और मैं प्लांटेड टैंक का शॉट दोबारा दिखा दूंगा जब तक सेटल हो रही है. बाकी आपको उसकी बाकी कलेक्शन में जल्दी दिखा देता हूँ. ये है मेरा मॉन्स्टर टैंक जिसको अभी फीड करना है. तो ये देखिए गाइस तो अभी मैं इनको डालता हूँ खाना और ये देखिए ये सब यहाँ पर खाते हुए. और जैसा कि आपको बताया कि जाइंट गुरामी को तो इसमें से मूव करना है क्योंकि हमें इसमें एरोवाना शिफ्ट करनी है और जाइंट गुरामी काफ़ी बड़ी हो गई है. तो उसका नेक्स्ट वीडियो आप वेट करें. तो इसमें आने वाली हैं आपकी तो एल्बाइनो एरोवानास एंड ये जाइंट गुरामी जाने वाली है कौन डेया एक्वेरियम में. तो उसका आपको डिटेल अगले वीडियो में पता लग जाएगा. चलिए मैं आपको अपनी बाकी कलेक्शन है उसको जल्दी से दिखाता हूँ.
तो ये रही जो कलेक्शन यहाँ पे, और जो आपको बता रहा था ये हमारी जो हमारी अल्बाइना एरोवाना हैं जिनको शिफ्ट करने वाला हूँ अपने 5 सीट एक्वेरियम में, तो ये जाने वाली हैं। प्लस अभी डालता हूँ, तो ये देखिए, ये देखिए दोनों खाते हुए, तो ये मूव होने वाली हैं हमारी 5 फीट एक्वेरियम में। एंड बाकी नीचे आप देख सकते हैं गिरे हमारे दो जूनियर हल्क एंड येलो फायरी फ्लोरॉन हैं। एंड यस, और उसके बाद ये रहा मेरा पर्सनल टैंक जो आप देख सकते हैं 5 फीट, और जो प्लस इसमें बड़ी सी साफ है। एंड ये रहे हमारे टर्टल मार्सेज सारे, तो मैं आपको टर्टल दिखाता हूँ। ये हमारा मेल टर्टल है, ये है मेरी सबसे ओल्डेस्ट टर्टल, ये मेरी सबसे ओल्डेस्ट टर्टल है। बाकी दो उसके अंदर घूम रहे हैं, वो आप देख सकते हो रहे हैं। नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ये देखिए एक यहाँ है, एक वो कोने में बैठा हुआ है और एक वो पीछे स्विम कर रहा है। ये देखिए कैसे मस्त तरीके से, एंड देन साफ देखिए कितनी प्यारी लगती है भाई। इसमें जो है कीपिंग काफ़ी प्रीमियम सी हो गई है। एंड ये यहाँ पे आराम से बाथरूम करते हुए, ये ना मेरा कंफा फ्लोर है, इसको भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है हमारी कंफा F4, तो मस्त तरीके से खाते हुए हम काफ़ी प्यारी लगते हैं, और इसका कलर बहुत प्यारा आ गया। एंड दिस इज आर प्लांटेड टैंक जो आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये था वीडियो जिसमें आज हमने देखा कि आज हमने फिश ऐड करी इस प्लांटेड टैंक में और बेबी जैन गुरामी पॉन्ड में। थैंक्स टू रवि एंड प्रियंका जो जिन्होंने ये फिश मेरे लिए खरीदी थी, तो थैंक्स टू यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड तो बाकी अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोज बनाता रहता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो काफ़ी एक्साइटमेंट है जो नेक्स्ट वीडियो के लिए कि जो जाइंट गुरामी है उसको इधर पॉन्ड या एक कुछ मतलब एक और मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, वो नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी, वो उसी में बात करूँगा। तो और प्लस ये वाले जो हमारे मेरे 5 फीट में जा रहे हैं ताकि वहाँ बहुत प्यारे दिखें, और प्लस मेरे को ही पूरा सेटअप आउट कर रहा है, तो उस चक्कर में धीरे धीरे आई टू स्टार्ट दिस, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं और काम की वजह से मेंटेनेंस सबका नहीं उतना कर पाता, तो अगर जिनको लाए उनको अच्छे से रखूँ, फालतू में उनको टॉर्चर ना करूँ, तो जो जो है और भैया धीरे धीरे बाकी मैं कुछ कुछ सेल आउट कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल्स आती रहेगी। तो अगर आपको ऐसे ही रेगुलर कंटेंट देखना है और नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को आप लाइक तो कर ही लें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। Thank you.